जाप के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगा है। पप्पू यादव को हिरासत में लेने डीएसपी समेत 5 थानों की पुलिस के साथ पहुंचे। इस मौके पर जाप नेता प्रेमचंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के यहाँ अवैध रूप से लगे एम्बुलेंस का खुलासा करने की सजा पप्पू यादव को मिली है। वही कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। आपको भी कष्ट दिया गया है, भारतीय जी को भी कष्ट दिया गया, सरकार को भी नाम। हुआ तब से इकलौता व्यक्ति हर आदमी को सहयोग सेवा और सहायता पहुंचाने के लिए मदद करने के लिए इकलौता व्यक्ति था जो बिहार में पटना की सड़कों से लेकर के अन्य जगहों पर भी उनके साथ ही हमारे पार्टी के लोग कर रहे थे। ये नगवार लगा नीतीश कुमार को, मारना चाहते हैं बिहार के गरीब गुरुआ को और तमाम उन सभी मरीजों को, ये नहीं अच्छा लगता है। मैं नीतीश कुमार जी पूछता हूँ, आप राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करने के बजाय जब हमारी पूरी राज्य भर की राज्य इकाई जब मांग कर रही थी कल कि राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार किया जाए कोविड महामारी एक्ट के तहत, उल्टी आप सुबह सुबह पप्पू यादव को गिरफ्तार किए। ये कौन सा कानून है? दोषी आपके भाजपा से डर गए कुर्सी कुमार जी कुर्सी बचाने के लिए। सीधे सीधे दिखता है कि सेवा नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, बिहार के लोग बच्चे नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, इसीलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। ना ऑक्सीजन पहुंचाते हैं पप्पू यादव, ऑक्सीजन सबको घर में पहुंचाते हैं, दवा पहुंचाते हैं पप्पू यादव, अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया से लेकर पूरा देश परेशान हो गया है इस बिहार सरकार से कि कैसे यहाँ के बिहार के मरीजों को पीएमसीएच एनएमसीएच आईजीएमएस एम्स सब में मारा जा रहा है। आप क्या क्या सवाल है? गिरफ्तारी क्यों हुई है ये बताया गया? अभी तक तो लॉकडाउन का उल्लंघन बताया जा रहा है। जब खाना हमारे साथी पहुंचा रहे थे, जब पप्पू यादव जी को कॉल आया, पप्पू यादव जी ने अपने एक रेशन को देखने गए, उनकी मदद करने के लिए पहुंचाने के लिए जब गए, ये हवाला देते हुए कि आप लॉकडाउन कर, तो लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है यदि कोई बहुत ज्यादा गंभीर मामला नहीं हो तो बहुत ज्यादा डिटेन किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितने पुलिसकर्मी पहुंचे थे उसमें से कितने लोग संक्रमित होंगे, कितने लोग आज होंगे, कैसे आप रख सकते हैं इसकी गारंटी देंगे कि थाना सुरक्षित है? आप क्या पुनः एक बार राजनेताओं को मारने की, जो बिहार की सेवा करता है, पुनः एक बार मारने की साजिश करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से तिहार से निकाल करके साहबुद्दीन को मार दिए ना, क्या उसी तरह के आपने दोबारा आप बिहार में एक और लाल को आप खत्म करना चाहते हैं? ये आपके मंसूबे नीतीश कुमार जी, गिरफ्तार करना है तो जा करके राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार कीजिए। तो कहाँ फरार है, क्यों दिल्ली में बैठे हुए हैं, कैसे 40 एम्बुलेंस घर में छुपा कर रखे हुए थे, ये कानून का उल्लंघन नहीं? अंधेर नगरी चौपट राजा मांगे गुर त देवे ढेला, यहाँ चोर ही आज जोर से बोल रहा है। एक तरफ विपक्षी साथी लगातार कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी हो, बिहार में कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल पप्पू यादव हो। पप्पू यादव की गलती क्या है? सिर्फ इतना ही गलती है ना कि जो सरकार का सैकड़ों एम्बुलेंस भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ लगा था उसको उनको उजागर किया। सरकार ये बताए कि राजीव प्रताप रूडी के यहाँ जो एम्बुलेंस था वो राजीव प्रताप रूडी का है या बिहार सरकार के है? अगर बिहार सरकार के है तो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ कैसे था?